मसीह खुदाद में आप सबकी सलामती हो प्रोग्राम आवाज़ हक़ के साथ आपका हो सरून यूसफ और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नामा नाजन इस वक्त हम मौजूद हैं मसीहों की सबसे बड़ी बस्ती जो कि पाकिस्तान की भी सबसे बड़ी मसीही बस्ती है यहानाबाद और आज हम गुड फ्राइडे के दिन यहाँ पर मौजूद हैं और हम इस जगह पर मौजूद हैं जहाँ पे इस वक्त आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देगे जो हैं जो खाना है वो बनाया जा रहा है और ये जो खाना है ये किसी मतलब ख़ास मकसद के लिए तैयार किया जा रहा है और यौनाबाद के बहुत सारे जो चर्चिज़ हैं बहुत सारे जो यहाँ पे ऑर्फन सेंटर हैं ए, उनके लिए खाना जो है वो बनाया जा रहा है और हम सब जानते हैं कि ये एक इवेंट है जिसको सेलिब्रेट करना जिसको मनाना हर एक मसीही पर जो है वो वाजिब है और ये आज के दिन जबकि रोज़ा अवतार किया जाता है सुबह 12 बजे से लेकर दोपहर को और तीन बजे तक इबादत का जो सिलसिला है चर्चिस में जारी रहता है और उसके दौरान जो है वो खाना जो है वो तमाम लोगों लोगों को दिया जाता है ताकि जो लोग चर्च में आते हैं जो लोग ऑर्फन सेंटर में हैं वो इस खाने को खाएं और इससे जो ताकत तकवियत है उसे हासिल करें तो इस जगह पे हम मौजूद हैं और हम जानते हैं कि खाना बनाना कोई आसान काम नहीं है और ये किसी एक बंदे का काम भी नहीं है लेकिन हम सब जानते हैं कि यहाँ पे जो वो नेशन न्यूज़ को ये मतलब उन तक ये बात पहुँची और उन्होंने ये सुना कि ये सारा जो खाना है वो एक ही खानदान जो है वो बनाता है और वो पिछले पाँच साल से जो है इस काम को जो है वो कर रहे हैं और हम इस खानदान के जो अफराद हैं जो इस खानदान के जो लोग हैं उनसे जानेंगे कि उन्होंने इस सिलसिले को कैसे और किस विजन के तहत जो है वो शुरू किया तो आए नाजरीन हम उनसे बात करते हैं जी नाजरीन अभी इस वक्त हमारे साथ बिशप आसिफ साहब मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे कि इस सारे काम के बारे में वो जो अपने ख्याल का इजहार करना चाहते हैं हम उनसे पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जी थैंक यू सो मच मैं बिश बासफी धावा जॉन नेशनल न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि जो पाकिस्तान में हर एक उस जगह पर बर वक्त पहुँचते हैं जहाँ पर ज़रूरत होती है और आज उन्होंने इस बड़े इवेंट को भी कवर करने के लिए यहाँ पर पहुँचे मैं पहले तो डॉक्टर साहब का और उनकी सारी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ और फिर ये कहना चाहता हूँ कि अदनान हारून जो है और इरफान हारून और इमरान हारून आ, ये मेरे शागिर्द भी हैं मैं खुदावंत का शुक्रिया अदा करता हूँ इन सारे बहन भाइयों के लिए और अदनान की इस बड़ी काविश के लिए और बड़े दिल के लिए मैं समझता हूँ कि ये जो प्रोग्राम है ये पूरे पाकिस्तान में आज तक आ, किसी ने नहीं किया ये क्रेडिट अदनान हारून को उसकी फैमिली को जाता है कि वो हर साल यौनाबाद के तमाम चर्चेस के अंदर गुड फ्राइडे को जो है वो खाना और अच्छा खाना चूँकि मैं यहाँ पर ही रहता हूँ मैंने देखा कि अच्छा खाना अच्छे से अच्छा खाना और इसमें जितना यौनाबाद के लिए खाना होता है वो तमाम चर्चेस में भेजते हैं जितना कोई कहता है और अपने घर के लिए वो अलग से बनाते हैं इसमें से वो यूज़ नहीं करते तो खुदावंद उनको और ज़्यादा बरकत दे ये जो काम है हर साल उनकी देगे बढ़ती हैं और इस दफ़ा मुझे लग रहा है कि सौ से भी ज़्यादा देगे जो है यहाँ पर बन रही हैं कल रात को जब मैं यहाँ से गुजरा तो तब से जो है खाना बन रहा है और अब भी शुरू है और ये तीन चार बजे तक जो है गुड फ्राइडे का जो सब रोज़ा इफ्तार करते हैं उस वक़्त तक जो है ये रहेगा तो खुदावंद मेरी दुआ है कि उनको भी और हम सबको भी बरकत दे कि हम ऐसे कामों में चर्च के काम में बढ़ चढ़ कर जो है हिस्सा लें और ताकि खुदा की बरकत को हासिल करें थैंक यू सो मच बहुत शुक्रिया सर जी अभी हम इस खानदान में मौजूद हैं और हम अपनी माजी से जानेंगे कि ये किस तरह से इस खानदान से ये सिलसिला जारी है कि उन्होंने पिछले पाँच साल से गुड फ्राइडे वाले दिन खुदा के खादमीन के लिए खुदा के घर के लिए और उन तमाम यतीम बच्चों के लिए जो है खाने का बंदोबस्त किया है तो माँ जी आप हमें बताएं कि यह सिलसिला आपने क्या सोच के आपके बेटों ने या आपके ख़ानदान के बाकी अफ़राद ने इस सिलसिले को जारी जो है वो किया मैं आप सब को सलाम करती हूँ ये खुदावन का शुक्र करती हूँ कि खुदावंद ने मेरे बेटे को तफीक दी है कि वो जब वो नहीं था इस काबल पाँच सौ रुपया दिहाड़ी करता था उस वक्त भी यही जज्बा रखता था कि मैं यतीम बच्चों के लिए बहुत कुछ करना है अपने खुदा के नाम के ख़तर तो उस वक़्त भी वो खुदा के लिए बहुत जज्बात जज्बा रखता था और उसने काफ़ी टाइम भी खुदा की खदमत में गुजारा था उसने हर साल ये जज्बा रखा है कि खुदा मुझे तफीक दे कि मैं बढ़ चढ़ के जितना भी कर सकता हूँ मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर एक देख से उसने शुरू किया और आज खुदांद का शिक्र है कि हर साल डबल वो करता है तो ये हमारी कोई खूबी कोई लियाकत नहीं है ये सब कुछ मन का फ़ज़ल है कि जब हम अपनी फ़िक्रें खुदा पर छोड़ते हैं अपने घरों की फ़िक्र नहीं करते खुदा की फ़िक्र करते हैं तो खुदा हमारी फ़िक्र करता है तो ये सब कुछ मन का दिया हुआ फ़ज़ल है उसके रहम है तो मैं उसके लिए खुदा की शुक्र गुज़ार हूँ कि इससे भी ज़्यादा खुदा इनको इस्तेमाल करे अपने जलाल के लिए माँ जी हर माँ की ये ख्वाहिश होती है कि ख़ास करके जो उसकी औलाद है वो खुदा के लिए कुछ ना कुछ करे तो जाहिर सी बात है आप एक माँ होते हुए जब ये देखते हैं कि मेरे जो बेटे हैं वो खुदा के काम के लिए भर चढ़ कर हिस्सा लेते हैं और ख़ुदा के लोगों के लिए जो है वो खाना भी मुहैया करते हैं तो आप दूसरी जो माएँ हैं जो आज के दिन प्रोग्राम को देख रही हैं आज के दिन जो वो तमाम लोग जो इबादात करते हैं जो माएँ जो हैं वो अपने बच्चों के लिए दुआएँ भी करती हैं तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहती हैं मैं यही कहती हूँ कि अपने बच्चों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा दुआ करो और मैं जब इतनी नई थी ना वाक़फ इस इन चीज़ों से फिर भी मेरा जज्बा यही था कि मेरे अभी बच्चे छोटे छोटे थे बिल्कुल तो मेरा ये जज्बा था कि अब खुदा के घर में लेके जाऊं और मेरे दिल में यही होता था कि जो सबसे ज़्यादा मेरा लाइक बच्चा होगा ना वो मैं खुदावन को दूंगी सही। और मैंने इनको छह बच्चों में से किसी को मखसूस नहीं किया कि ये बच्चा ये खुदावन ने चुना मेरे बेटे अदनान को और उसने चार साल डोर बाई डोर ख़दमत की है वो एम में रह के तो ये मेरी नहीं कोई बहादरी ये मेरे खुदावन का फजल है और मेरा शुरू से ये शौक़ था कि मेरे बच्चे अपने घर की नहीं खुदा के घर की फ़िक्र करें तो मैंने खुद भी जैसे खुदा के घर की फिक्र की एजिक टी वी के लिए भी मैंने एक सौ से शुरू किया था तो मेरा घर नहीं था मैं किराए के घर में रहती थी तो मैंने कहा खुदा मुझे अपने घर की नहीं फिक्र मुझे अपने घर के लिए दे तो मैंने एक सौ से शुरू किया तो खुदावन के नाम को जलाल कि मैं तेरह हज़ार मंथली देती थी इसी तरह खुदावन ने दिन दिन इस काम में भरने का फ़जल बख्शा यही जज्बा मेरे बेटे के अंदर है कि उसने भी ये कहा कि मैं मज़दूर हूँ कुछ भी हूँ लेकिन खुदा का शुक्र है कि इस वक्त खुदा ने उसे बहुत सारी बरकतें दी है बहुत सारा कारोबार दिया है उसको ये नहीं फिक्र कि मेरे पास घर नहीं मैं अपने घर को बना लूँ मैं ये कर लूँ वो कर लूँ यही कहता है कि मैं जो कुछ कमाता हूँ मैंने खुदा पर लुटाना है मेरी फ़िक्र मेरा खुदा करेगा तो इस जज्बे से मैं खुश हूँ कि खुदा हर माँ को तोफीक दे कि अपने बच्चों के लिए यही दुआ करें कि खुदा के घर की फ़िक्र करो जब हम खुदा के घर की फ़िक्र करते हैं तो खुदा किसी का कर्ज़दार नहीं रहता खुदा मुहैया करता है तो इसी तरह सब माएँ अपने बच्चों के लिए दुआ करें और जज्बा रखें कि अपने बच्चों को इस राह के लिए तैयार करें जिस राह पे खुदावंद का कलाम हमें फरमाता है कि अपने बच्चे की उस राह की तरबियत कर जिस राह से बूढ़ा के भी ना मुड़े ये मैं खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल देती हूँ कि मैं बिल्कुल अनपढ़ हूँ मुझे ऐसे बोलना भी गवाही के लिए नहीं था आता लेकिन मैं अपने बच्चों को शुरू से खुदा के घर में लेके गई हूँ अब मेरी पोतियाँ पोते हैं उनके लिए भी मेरा यही जज्बा है कि अपनी ज़िंदगी खुदा के लिए सरफ करो जब हम अपनी पहली चीज़ें जो है खुदा को देते हैं तो खुदा भी हमें इसी तरह देता है मल्टीप्लाई करता है खुदा में कभी किसी का मताज नहीं होने देता तो मैं बहुत ही खुदा की शुक्र आज मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है कि खुदावन इसी तरह नौजवान जितनी बेटियां जितनी बहनें हैं अपने बच्चों के लिए खुदा के आगे रोएं खुदा के आगे मिन्नत करें कि खुदा इनको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे मेरे बेटे का अपना घर नहीं है रेंट के घर में रहता है लेकिन कहता है कि मैंने नहीं मैंने जो कुछ करना है खुदा के लिए करना है मेरी फ़िक्र मेरा खुदा करेगा तो इस बात के लिए खुदा की शुक्र बहुत शुक्रिया माँ माजी हमारी ये दुआ है नेशनल न्यूज़ की पूरी टीम की ये दुआ है कि जिस तरह से आप हर साल देखें जो है वो मल्टीप्लाई करते रहे इस खानदान के वसीला से तो हम चाहते हैं कि जितने भी लोग जितने ख़ानदान आज इस खुराक को खाएं वो आपके ख़ानदान के लिए दुआ करें ताकि आप जो है वो आपका ख़ानदान भी खुदा की ब्लेसिंग से जो है वो मल्टीप्लाई हो बहुत शुक्रिया आपका जी नाजरीन अभी हमारे साथ अदनान भाई मौजूद हैं और हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने किस विजन के तहत जो है ये गुड फ्राइडे को खाने का जो बंदोबस्त है उसको उन्होंने शुरू किया और पिछले पाँच साल से जो वो इस काम को जारी रखे हुए हैं तो अदनान भाई आप हमें ये बताएं कि आपका विजन क्या था और आपने किस जो है वो प्रोग्राम के तहत इस सिलसिले को जो है वो जारी किया जी एक्चुअली बैबदस में लिखा है कि अपना माल आसमान पर जमा करो जहाँ ना चोर न कब लगाते और चुराते हैं मैं कारोबार में बिल्कुल फ्लाप हो गया था ठीक है इंस्टॉलमेंट का काम करता था तो मैं मज़दूरी में आया ठीक है तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल पहले साल में एक देख दी तो मैंने अपना बिज़नेस पार्टनर जीसस को मिलाया मैंने कहा जैसे जैसे मेरा कारोबार बढ़ेगा तो मैं अपने कारोबार का एक मखसूस हिस्सा खुदा के नाम का दूंगा ठीक है तो पहली देख से मैंने पाँच देग दी फिर दस दी फिर अट्ठाईस दी ठीक है करते करते आज अभी तक तो सिक्सटी टू तकरीबन देगो का आर्डर आ गया हुआ है लेकिन कोई जो भी मुझे कह रहा है मैं बनवाता जा रहा हूँ ठीक है तो जब हम खुदा के लिए करते तो खुदा हमारे लिए बहुत सारी ब्लैसिंग्स देता है ठीक है मेरी इतनी नहीं थी कि मैं कभी सोच भी नहीं था सकता कि मैं इतना करूँगा लेकिन खुदावन वन तो फीक देता है हर साल ठीक है तो जितना भी मैं कर सकता हूँ करता हूँ राम भाई आपने एक ना बड़ी ज़बरदस्त अभी बात की है कि आप कारोबार में बिज़नेस में जो है वो फ्लॉप थे लेकिन आपने अपना पार्टनर जो है वो जीजस को बनाया यानी कि यसुम सी को बनाया और जिसका पार्टनर यसुम सी हो वो उसे किसी चीज़ की कमी नहीं हो सकती तो हम देख रहे हैं कि जैसे अभी आप आपने बताया कि आपने एक से फिर पाँच फिर दस और फिर फिर, फिर पंद्रह लेकिन इस साल में जो देगों की तादाद है वो बढ़ गई है इसका मतलब है कि आपका जो पार्टनर है उसको जो है वो बिज़नेस में वो है जो प्रॉफिट हो रहा है और आपको भी इस बिज़नेस में जो है वो एक अच्छा खासा हम देख रहे हैं कि वो प्रॉफिट हो रहा है और ब्लेसिंग की सूरत में आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे मेरा ये कि जब हम लोग खुदा को देने से डरते हैं ना ठीक है कि खुदा के नाम का देंगे मैं कहता हूँ कि जो कुछ है खुदा की राह पर लगा दो मैंने रात को भी बोला है मैंने कहा सो देख का भी आर्डर आ जाएगा मैं दूँगा ठीक है कि जब हम खुदा के नाम का देते हैं वो हमें सोगना होकर वापस लौटता है ये बात बंदा करता है कि दे दे जो कुछ भी तेरे पास है डरना या यस्ू तेरे साथ है जिसके साथ यस्ू से डरने की जरूरत नहीं है।, है कोई भी बंदा आज ले जिसके पास जो कुछ है वो खुदा की राह में लगा दे अगर उसे लॉस हो जाए मैं दे दूंगा ठीक है।, है।, है इस विजन के तहत मैं करता हूँ और बाइबल मुकदस में ये लिखा हुआ है ना कि वो जहाँ पे नहीं भी बोता वो वहाँ से भी काट लेता है तो हम इस बात को महसूस कर सकते हैं कि बेशक आप यहाँ पे बो रहे हैं लेकिन आप एक अच्छी फसल जो है वो सिर्फ इस ज़मीन पर नहीं बल्कि आसमान पर भी काटेंगे और दूसरी बात मैंने ये करनी थी कि जब मैं ये पहली देख से काम स्टार्ट किया ना तब मैं पाँच सौ रुपये दिहाड़ी पर आ गया था ठीक है और मैं कह रहा था कि खुदा बंदा एक दफ़ा मेरा लॉस जो है जो मैंने कर्ज़ उतारा है ये उतार उतर जाए मैं समझूंगा जिंदगी का सबसे बड़ा उस मेरे पे एहसान है लेकिन खुदा मुझे बहुत कुछ देना चाहता था आज खुदा का शुक्र है मेरा कारोबार है कपड़े का काम है ठीक है मेरे पास दो गोदाम है बिजनेस है उदान है गाड़ी दी है सब कुछ दिया है ठीक है तो मेरे पास जो कुछ भी होता है मेरा आप पचास देगे कहा था कि पचास देगे देनी है रात को तीन बजे चार बजे तक पास्टर साहिबान आते रहे जी इतनी चाहिए किसी को पाँच चाहिए किसी को चार चाहिए मैंने कहा है कि जितनी सौ देग भी लगेगी मैं दूंगा इससे भड़के भी लगेंगे मैं दूंगा तो मेरा यही है सबके लिए पैगाम के खुदा को देने से कभी भी ना डरें दिल खोल के दें और खुशी से दें और मेरा ये लॉजिक कई बंदों को पसंद नहीं आता मैं कहता हूँ जब हम शादी ब्याह देखते हैं ठीक है या कोई अपने खुशी के गमी के इवेंट करते हैं तो उधर हम कर्ज़ उठा लेते हैं तो मैं कहता हूँ कर्ज़ उठा के भी खुदा की राह में लगाओ खुदा आपका वो कर्ज भी उतरवाएगा और आपको भी कामयाब करेगा ऐसे ही है बहुत शुक्रिया दिन भाई खुदा आपको बहुत ज़्यादा बरकत दे जी नाजरीन अभी आप देख रहे थे ये तमाम मंजर और हमने इस खानदान के हर एक फर् से बात भी की और हमने उनसे जाना किस तौर से उन्होंने खुदा के कलाम के लिए खुदा के काम के लिए अपने आप को जो है वो इस्तेमाल किया है तो अभी हम इस गुड फ्राइडे वाले दिन ये पैगाम जो आप तमाम नेशनल न्यूज़ देखने वाले भी इस बात को महसूस करेंगे कि हमें अपने आप को जो है वो हमेशा खुदा के नाम जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहिए बेशक ये एक ख़ानदान जिसने एक नमूने के तौर पर यौहानबाद में इस बात को दूसरों तक पहुँचाने की कोशिश की है कि हमें जो है वो अपने ख़ानदान से अपने खुदा के लिए जो है वो अमली तौर पर एक नमूना बनकर दिखाना है आप सबसे ये गुजारिश है कि आप हमेशा अपने उन तमाम बहन भाइयों का ख्याल रखें उन तमाम लोगों का ख्याल रखें जो कि खुराक से महरूम हैं उन यतीम बच्चों के लिए जो है वो आप अपने ख़ानदानों से ख़ुराक का बंदोबस्त करें ताकि इस आज के दिन में गुड फ्राइडे के दिन जबकि हमारे मसीहा के मसलूबियत के मसलूबियत का जो दिन है इसमें जो है वो लोग खैरो आफियत से जो है वो एक दूसरे का ख्याल रखते हैं और हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि एक अच्छा जो पैगाम है वो दूसरों तक पहुंचाया जा सके मुझे और मेरे कैमरामैन तारक प्यारा को दीजिए इजाज़त खुदा हाफिज